भक्तिमय भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल भक्ति भजन सागर। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सूर्यवंशी स्वनाम धन्य प्रभु राम, आपको प्रणाम है। राजा दशरथ एवं कौशल्या नंदन, आपको प्रणाम है। सीतापति करुणा निधान श्री राम, आपको प्रणाम है। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के ज्येष्ठ भ्राता अवध नरेश भगवान, आपको प्रणाम है। हनुमत प्रिय रघुनंदन राम, आपको प्रणाम है। लंकापति रावण का वध करने वाले भक्तवत्सल श्री राम, आपको प्रणाम है। आप भगवान विष्णु के अवतार और भगवान शंकर के आराध्य हैं। आप जन जन के हृदयवासी हैं, हर मन की व्यथा हरते हैं और प्रत्येक प्राणी के रक्षक हैं। आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। जिनका मुख चंद्रमा की भांति दमकता है, जिनकी आँखें कमल पुष्प की तरह सुंदर है, जिनका रंग नीले आकाश की तरह है, जिनकी मुस्कान सूर्योदय की किरणों की भांति ऊर्जावान है, ऐसे मेरे श्री राम का सौंदर्य है जो वर्णन से परे है और जिसके ध्यान मात्र से परमानंद की प्राप्ति होती है। ऐसे जनहितकारी न्यायप्रिय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तुम्हारी जय हो। Yeah.
वशिष्ठ के गुरुकुल में एक सामान्य बालक की तरह शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने वाले राजाधिराज भगवान श्री राम ने संसार के सम्मुख यह उदाहरण रखा कि गुरु की शरण में सभी शिष्यगण एक समान हैं। उनमें कोई भेद गुरु नहीं करता, वह सभी को समान रूप से संस्कार और शिक्षा प्रदान करता है। श्री राम ने भी एक उत्तम शिष्य की भांति अपने गुरु के समस्त आज्ञाओं का पालन कर गुरुकुल के नियमों को शिरोधार्य किया। उन्होंने कभी अपनी श्रेष्ठता या देवत्व पर अभिमान नहीं किया। विश्वामित्र ने आज्ञा दी, तब श्री राम ने लक्ष्मण जी के साथ मिलकर ताड़का और सुबाहु राक्षस का वध किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से ही आपने मिथिला नरेश के महल में संरक्षित शिव जी का धनुष तोड़कर देवी सीता से विवाह किया। इस प्रकार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के अवतार श्री राम और सीता जी का मिलन त्रेता युग में पुनः संभव हुआ। भगवान शिव जी की धनुष के टूटने पर परशुराम के क्रोध को मर्यादा और संयम से सहन करने वाले प्रभु श्री राम आपके समान अन्य कोई नहीं। शिला में परिवर्तित हो गई ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या का उद्धार अपने चरण स्पर्श मात्र से करके आपने यह संदेश दिया कि आपके संपर्क में आने से पत्थर भी जीवन पा सकते हैं।
दशरथ द्वारा माता कैकेयी को दिए गए दो वचनों का पालन करने हेतु भगवान श्री राम आपने माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों तक वनवास में अपना जीवन व्यतीत किया। नाना प्रकार के कष्टों को किसी सामान्य व्यक्ति की तरह सहन करते हुए आपने अपनी वीरता, साहस और न्यायप्रियता का प्रमाण विभिन्न अवसरों पर प्रकट किया, यथा बालिका वध करके सुग्रीव को उनका राज्य लौटाया, अपनी शरण में आए शत्रु के भाई विभीषण को आश्रय दिया, वर्षों से प्रतीक्षारत दर्शनाभिलाषी शबरी को उसकी कुटिया में जाकर दर्शन दिया, शबरी के झूठे बैरों को ग्रहण कर हे प्रभुवर आपने यह सिद्ध किया कि भगवान केवल और केवल स्नेह भाव के भूखे हैं। प्रभु दंडकारण्य के वनों में निवास करते हुए आपने अनेकों राक्षसों को मुक्ति प्रदान किया जो ऋषियों मुनियों के यज्ञ विधानों में विघ्न पैदा कर रहे थे। माता सीता का हरण करने वाले रावण से युद्ध करके जब जटायु वीरगति को प्राप्त हुए तब प्रभु राम आपने पुत्रवत उनका दाह संस्कार अपने करकमलों से किया। आपका यह उपक्रम यही दर्शाता है कि हर प्राणी जो सत्कर्मी है उसे पूर्ण सम्मान देना हमारा उत्तरदायित्व होता है। रघुवर, हनुमान जी जैसा आपका भक्त संसार में दूसरा कोई नहीं, जिनकी सेवाओं को स्वीकार कर आपने लंकेश रावण का वध करके पृथ्वी को उसके अत्याचार और अन्याय से मुक्त किया। Oh,
प्रभु, आपने अंगद, नल, नील, जांबद सहित अनेक जानवरों और गिलहरी जैसे प्राणी को भी अपने लंका विजय अभियान में सम्मिलित कर संसार के सम्मुख हर व्यक्ति हर जीव की महत्ता को स्थापित किया, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अनुकरणीय है। आप गुणातीत हो, करुणा के सागर हो, राजाओं के राजा हो। आप सपुत्र, भ्राता, पति एवं सखा न कोई हुआ न होगा, इसलिए आप भारतवर्ष के धर्मध्वज धारक, जगतोद्धारक भगवान श्री राम कहलाते हैं। जैसे आप त्रेता युग में अयोध्या लौटे, वैसे ही अब भव्य मंदिर में विराजित होने की कृपा करें। राम जी, आप सबके अपराध क्षमा करें और सभी को अपनी शरण में स्थान दें। हमारे हृदय को श्री राम दरबार में परिवर्तित कर दीजिए। जय सियाराम। सियाराम सियाराम।